तो आज सबसे पहले खुशखबरी यूपी पुलिस डिपार्टमेंट ने दी है। तो आपको बता दें कि महकमे में सब इंस्पेक्टर और पीएसी प्लाटून कमांडर के 5,000 पदों के लिए भर्ती की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय ने यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि इसके लिए अगले महीने तक भर्ती शुरू भी हो जाएगी। और सबसे अहम पहलू ये कि इस भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और अब खुश खबर है रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए। तो केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को यूपी के खलीलाबाद और बहराइच के बीच नई रेल लाइन को हरी झंडी दे दी। ये रेल लाइन मेहंदावल, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती और भिनगा से होकर गुजरेगी। इसके लिए सभी 5 जिलों में नई रेल लाइन के दायरे में आने वाली जमीनों के मालिकों को मुआवजा देकर जमीन कब्जे लेने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी बिल्डर या कॉलोनाइजर के खिलाफ यूपी भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा में घर बैठे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए यूपी रेरा ने बुधवार को मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिसके जरिए सूबे के किसी भी शहर के लोग अपंजीकृत प्रोजेक्ट समेत बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स द्वारा की जा रही किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इस तरह से ये सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। और अब हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर, वो ये कि अब ड्रोन से मरीजों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। जी हाँ, लोगों तक दवाएं पहुंचाने की व्यवस्था भी ड्रोन के माध्यम से होगी। इसके लिए सरकार ने एक निजी कंपनी से करार किया है, जो दिसंबर से ये सेवा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू के दशहरा उत्सव के दौरान इस बात की घोषणा की, यानी अब इस तरह की सेवा देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा।